अगर आप इन चार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते भी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाएगा। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके भाई या बहन ने ये सब्सिडी ली है तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट हर एक स्टूडेंट को ये सब्सिडी नहीं दे सकती। ये सब्सिडी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यदि आप इन सब्सिडीज को प्राप्त करते हैं या क्वालिफाई होते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप 6 लाख तक बचा सकते हैं। सभी को नमस्कार। लोनफ्लिक्स हिंदी के 24th एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वीमेक्स कॉलेज से। अब पिछले कई वीडियोस में स्टूडेंट्स ने हमसे एजुकेशन लोन्स पर गवर्नमेंट सब्सिडीज के बारे में जानकारी मांगी। बस इसीलिए हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया और ऐसे वीडियो के साथ आपके सामने आ गए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, वी आर हायरिंग। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या आप खुद इंडिया के लीडिंग एजुकेशन फाइनेंस प्लेटफॉर्म यानी कि वीमेक्स कॉलेज के साथ काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी गए हायरिंग लिंक पर क्लिक कीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब चलिए गवर्नमेंट सब्सिडीज के बारे में बात करते हैं। अब जो लोग नहीं जानते कि मैं किस स्कीम्स की बात कर रही हूँ, उन्हें मैं ये बता दूँ कि भारत सरकार समाज के एक वर्ग को एजुकेशन लोन में सब्सिडी प्रोवाइड करती है उनके बीच हायर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। अब इस वीडियो में मैं उन्हीं स्कीम्स के बारे में बात करने वाली हूँ। ये जान लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन क्लियरली कहीं नहीं मिलने वाला। तो अब इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ कि आपको कौन सी स्कीम्स मिल सकते हैं, स्कीम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं और सब्सिडी का अमाउंट क्या होगा। तो शुरू करें। अब भारत में 3 तरीकों के एजुकेशन लोन सब्सिडी है। पहला है सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी, दूसरा है पड़ो परदेश स्कीम और तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब इस वीडियो में मैं CSIS के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि ये सब्सिडी सिर्फ डोमेस्टिक लोन्स के लिए उपलब्ध है। बाकी दोनों जो सब्सिडी स्कीम्स हैं ये अब्रॉड एजुकेशन से रिलेटेड है। तो चलिए पड़ो परदेश स्कीम और डॉक्टर अम्बेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में बात करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट लोन सब्सिडीज और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं चाहती हूं कि आप ये जान लें कि ये लोन सब्सिडी स्कीम्स आपके लिए क्यों मायने रखता है। यदि आप इन सब्सिडीज को प्राप्त करते हैं या क्वालिफाई होते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप 6 लाख तक बचा सकते हैं। वो इस तरह से, इस स्कीम के तहत सरकार आपके पूरे मोरेटोरियम पीरियड की इंटरेस्ट पे कर देती है आपको जॉब मिलने के 6 महीने के बाद या फिर कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ने पड़ो परदेश स्कीम के लिए 24 करोड़ का बजट रखा जिसमें से वो केवल 400 स्टूडेंट्स को ये सब्सिडी पेशकश करना चाहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो हर स्टूडेंट के लिए 6 लाख का सब्सिडी रखा गया है। अब आपको उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ध्यान देना चाहिए जो दोनों ही स्कीम्स के लिए बराबर है। पहला ये कि ये सब्सिडी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने लोन गवर्नमेंट बैंक से लिया है ना कि NBFC या प्राइवेट बैंक से। मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि एक फैमिली से बस एक ही स्टूडेंट या बच्चे को ये सब्सिडी मिल सकता है। मान लीजिए कि अगर आपके भाई या बहन ने ये सब्सिडी ली है तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिल सकती। अब चलिए पढ़ो परदेश स्कीम के बारे में बात करते हैं। पढ़ो परदेश स्कीम उन योग्यता छात्रों के लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज जैसे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, पारसीज इनको बिलोंग करते हैं। ये बात ध्यान में रखिए कि पढ़ो परदेश स्कीम के योग्य बनने के लिए आपके पूरे फैमिली की इनकम 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप पढ़ो परदेश स्कीम के लिए क्वालिफाई हो भी जाते हैं उन 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैंने बताया, जैसे एक माइनॉरिटी को बिलोंग करना, मास्टर्स या पीएचडी के लिए अब्रॉड जाना, गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना और फैमिली इनकम 6 लाख से ज्यादा ना होना। लेकिन ये भी अभी गारंटी नहीं करता है कि आपको ये सब्सिडी मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज और रिलीजन वाइज कोटा शामिल होते हैं। कोटा लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई आर्टिकल लिंक में मिल जाएगा। जब आप वो शीट खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्कीम सिर्फ 400 छात्रों को दी जाती है। अब मान लीजिए कि महाराष्ट्र में सिर्फ 38 स्टूडेंट्स को ये स्कीम प्राप्त हो सकता है, जिनमें से 22 हैं फॉर मुस्लिम्स, 2 क्रिश्चियंस के लिए, 2 जैंस के लिए और 12 बुद्धिस्ट के लिए। बस इसी तरीके से आप बाकी कंट्रीज और स्टेट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर। और एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि इस पूरे सब्सिडी स्कीम में 35% सिर्फ फीमेल्स के लिए रिजर्व होता है।
चलिए डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। अब ये सब्सिडी सिर्फ ओबीसी या फिर ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को ही मिलता है। अब ज़्यादा प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो अब्रॉड एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब ये जान लीजिए कि ओबीसी या ईबीसी के अंडर आने के लिए पूरे फैमिली की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ कि इस सब्सिडी में आपके लिए 50% रिजर्व होता है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सब्सिडी मिलने के चांसेस कम हैं, फिर भी आप इनको अप्लाई करें अगर आप बेसिक 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं। अब इन सब्सिडीज को अप्लाई करने की विधि कुछ ऐसी है। अब पढ़ो परदेश के लिए आपको अपने लोन एप्लीकेशन के साथ साथ अपना प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना भूल जाते हैं तो आप अपने एडुकेशन के फर्स्ट ईयर के अंत तक भी बैंक्स को ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब अंबेडकर योजना के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ एक ओबीसी प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। अब ये ओबीसी प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वीमिक्स कॉलेज के फाइनेंशियल ऑफिसर स्टूडेंट्स को ज़्यादा पुश नहीं करते हैं कि वो विद्यालक्ष्मी पोर्टल का लोन फॉर्म भरें। वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही लेंदी और बड़ा प्रोसेस होता है। हम उस लोन फॉर्म के बिना ही एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप विद्यालक्ष्मी पोर्टल का लोन फॉर्म भरें। अब अप्रूवल प्रोसेस के बारे में विस्तार में जानते हैं। अब लोन सैंक्शन के बाद बैंक्स एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट को एक नोडल बैंक सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देती हैं ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, और फिर ये लिस्ट उनके एक सिलेक्शन कमेटी को भेजी जाती है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट हर एक स्टूडेंट को ये सब्सिडी नहीं दे सकती बजट के लिमिटेशन होने के कारण। बस इसीलिए सिलेक्शन कमेटी कुछ फैक्टर्स जैसे कि मेरिट या फिर स्टूडेंट के फैमिली इनकम कितना कम है इन दोनों को कंसिडर कर स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करती है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कीम में तो उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि वो ज़्यादा प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को देते हैं जिन्होंने अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशन एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ख़त्म की हो। अब आज के लिए बस इतना ही। मैं जानती हूँ ये कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन था लेकिन मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी और आपको डाउट्स में नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया है या हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस के साथ शेयर कीजिए, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाने तक का हमारे ये एफर्ट्स आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।